Some parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Tahir Khan. And my name is Sabi Sahil. So guys, आज हम get करेंगे part 2 Jimin पे. लेकिन आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे examinations हो रहे हैं start. मेरी mid start हो रही है, जिससे मैं तकरीबन आपको 4 to 5 days शायद या उससे भी ज़्यादा हो सकता है. आई होप कि मैं अपना टाइम जितना मैंने बोला है मैं वापस आ जाऊँ, बट अगर ना हो सके तो आपको सभी आप पीरियड आएंगे आगे से. I'll try to entertain. I'm extremely sorry because of my examination. I will not be available for the next 4 to 5 days. But Sabi will be present and he will make sure that you are bored now. So आज बात करेंगे पार्क जिम की, पार्क जिमिन हैबिट्स पार्ट टू पे. और ये पार्क जो हैबिट्स हैं बहुत मजे की हैं, बहुत मजे की हैबिट्स की. और लाइक प्रीवियस अगर हैबिट्स का हम एक रिव्यू देते चले तो प्रीवियस हैबिट्स में से हमें जो पसंद आए थे उनकी चेयर से गिरने वाली हैबिट, उसके बाद स्क्वीजी आईज वाली हैबिट, और मुझे जो एक अच्छी लगी शाहरुख खान वाली हैबिट, ये बड़ी मजे की लगी थी हैबिट्स. और बस आज हम उनकी हैबिट नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि फर्स्ट 8 हैबिट्स का हम रिव्यू कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर जल्दी से हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे, या फिर आई बटन अभी आया होगा वहां पे क्लिक करके हमारा हैबिट्स का पार्ट 1 जाके मस्ट देखना. और अगर आपने पार्क जिमिन की बर्थडे व्लॉग नहीं देखा, व्लॉग तो नहीं था, छोटा सा हमारा रिएक्शन भी वीडियो भी थी उसमें, हमने उसके लिए स्पेशल वीडियो थी जिमिन के लिए, तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं वो भी हमारा आई बटन पे आ चुका होगा, अभी इधर शोर होगा तो वहां आप भी कर लें, मस्ट वॉच दिस वीडियो. So let's start. Before starting the video, ये वीडियो हमने ली है स्क्वीशिन यूंगी के चैनल से, जिसकी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी एज यूजुअल. और काइंडली ओरिजिनल सपोर्टर को भी, ओरिजिनल क्रिएटर को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ सके. बहुत लंबी स्पीच होती है मेरी, सो हियर वी गो. The way he practically just gives out hugs. We are giving loud. Yo, man! Bed kitne malle ka hai inka, hai na? ड्रामा देखा हुआ जब अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्योंकि छक्का लगता है चौका लगता है भी आउट होता है, मैं भी ऐसे ऐसे करता हूँ. बाकी सब मेरे अब्बू के, सब मेरे अब्बू भी साथ बैठे होते हैं ना, तो कहते हैं कि मेरे माय फादर, अब्बू मीन्स फादर, वो बैठे होते हैं तो अभी अगर मैं ऊंचा चीखूँ तो कहते हैं दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया क्या हो गया. तो वैसे मैं अपनी खुशी का इजहार ऐसे करता हूँ. ये कौन करता है? मेरे दोस्त जवाब वो करता है, ये रेयर हैबिट है, वैसे करता है. ये मेरा छोटा भाई करता होता है, उफ ऐसे करें. ये कौन करता है? ये कैट लुक देता है, ये हैबिट. Habit number 30, him grabbing the other boy's thighs. ये एक हैबिट है, नॉर्मल हैबिट है, लाइक मैंने काफी लोगों से करते हुए देखा. ये पता नहीं किसके हैबिट है, लेकिन मैंने काफी लोगों करते हुए देखे, सिर्फ हंसते बैठे हुए बात करते हुए. मेरा कजन है अब्दुल्ला, मेरा कजन है, वो ऐसे करता होता है, बात कर रहा होता है ना, बात करते करते भाई जब इस कजन इज वेरी क्रिंजी, वो ऐसी है वो क्या है ये बेटा. And these come here lost. I am
Habit number 14. The way he laughs so hard that he just falls into whatever is next to him. Look at me. अच्छी है बहुत मजे की बॉक्सिंग स्माइल है। हम भी कभी बार इस तरह का हंसते होते हैं जब बहुत बड़ा कुछ चुटकुला सुनते हैं। चुटकुला मीन्स बड़ा जॉब सुन लेते हैं। नए साल में बंदा गिर जाए या कि फिसल जाए मैं इस तरह करते करेंगे। फिर एक दोस्त था इस नेम इज अली अली भैया, मुझे उम्मीद है कि वह वीडियो ना देख रहे हो क्योंकि उन्होंने देखी तो बस उनको नाराज हो जाएंगे। मुझे पता भी नहीं कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ भाई से। तो अली भाई एक दफ़ा वो थोड़े मोटे से हैं, ठीक है, बहुत हेल्दी से है वो। तो वो एक दफ़ा हम जा रहे थे, मतलब सही हट्टे कट्टे वो गिर गए रोड पे, पानी पड़ा रोड पे था मेन जो हमारा है ना, he just slept on the road because हमारा ये फवारा चौक में वो गिर गया, फिसल गया। और वो बहुत बुरे फिसले, लेकिन मैंने उनको उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं इतनी बुरी तरह हंसा कि मैं खुद हंसता हंसता नीचे से बैठ गया, लेकिन मैंने इट हैपेंड समटाइम्स। हम जब इस तरह कभी कभी कभार बात करते करते इस या इस तरह कोई अचानक इंसिडेंट हो जाता है इस तरह का, या फिर कोई बड़ा जोक सुन लेते हैं, अक्सर हमारी आदत है कि हंसते 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 या तो किसी साथ वाले पे गिर पड़ेंगे या तो हंसते हंसते हम लोग जमीन पे बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ लाजमी होता है। एक हमारा दोस्त अली रियाज, मुझे याद है मेरे सहमत के पेपर से, तो मैं ही घर तैयारी करने जा रहा था, ठीक है। तो हम रोड से आ रहे थे, उसकी मम्मी ने बोला कि जाओ जाके ना ये वो बैंक से ना ये क्या कहते हैं चेक चेक बुक क्या कहते हैं उसे तो अली ने क्या किया, अली ने पकड़ा ऐसे जिस तरह बंदर नहीं ऐसे करते पोल साथ ही डस्टबिन बड़ी वाली और वो उस पर जाकर गिरा और मैंने उसको उठाया। नहीं तो क्योंकि मैं हाथ कितना पागल हो गया था ना, उधर सब पठान लोग इकट्ठे हो गए सब डस्टबिन उसको डस्टबिन से निकाला। इतने आके मोमेंट्स होते हैं जब हम देखते हैं ना ऐसे इंसिडेंट या ऐसे जोक सुनते हैं तो जो हंसी एकदम अंदर से निकल रही होती है ना, उसकी वजह से हम भी ऐसे ही नजर आ रहा हो जाते हैं। Like he's like a bit greater, great higher shy. To some of the habits that Park Jimin has picked up. I hope you guys enjoyed this video and are liking this new series LMAO. It's really fun to make and interact with you guys. Okay, I'll go now. Wait, also I'd like to say that I know a lot of people have recently started school again and I just want to... So guys, this was a reaction on Park Jimin. Habits. तो सबसे मजे की हैबिट मुझे वही लगी कि बंदा हंसता है, इस बंदे की ये कि वो हंसता है, उसकी हंसने की तीन चार हैबिट्स थी। और ये शायद बहुत बंदा फील करता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा हंसता है, लाउडली हंसता है और हंसते हंसते गिर पड़ता है, ये इनकी शाय की वजह से आई गेस ये शायद ज़्यादा फील करता है अमंग अदर मेम्बर्स। हाँ, और लाइक हमें जो हैबिट पसंद आई सबसे ज़्यादा वो दो ही हैं, एक इनकी चेयर से गिरने वाली और दूसरी इनकी फूट फूट के हंसने वाली, हंसते हंसते गिर जाने वाली, गिर जाने वाली या हंसते किसी किसी सहारा लेने वाली या हंसते हंसते ऊंचा ऊंचा हंसने वाली। बिल्कुल, बहुत मजा आया ऐसी वीडियोस देख के। और ये वाली है ऐसे ऐसे करके हंस। हाँ, यार मेरा एक दोस्त था व्हेन आई वाज इन ग्रेड फोर्थ, वो पता क्या करता था, बात कर रहे हैं ना हम ऐसे बैठ बैठ साथ ही, मैं तो जवाब ऐसे क्लास में बैठे होते हैं अपने कानों को नहीं, अपने वो सोच कुछ और होता है मेरे कान पर ऐसे। और एक और हैबिट भी थी, एक तो मुझे था उसकी बहुत क्रिंजी हैबिट, लाइक मैं हमेशा अपना हाथ खींच, वो पता क्या करता था, सबसे हाथ की छोटी उंगली लेके ना उसके दरमियान नाखून के अंदर हाथ डाल के मैल निकालता रहता था। ओह मेरी खुदाया, इतने जोर से नाखून प्रेस करता था, इतनी क्रिंजी हैबिट होती थी। हम अपने ध्यान में होते थे उसका, हमारा हाथ उसके आप पास होता था, साथ ही वे छोड़ो ना क्या कर रहे हो, इतना पेन होता था ना इस हैबिट से। लाइक ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनमें क्रिंज भी होता है, कभी कभी फनी हैबिट्स भी लगती हैं, और टू सम पॉइंट पे बंदा जाके लेटर इन लाइफ सोच रहा होता है यार हमारे फ्रेंड्स होते थे, इन हैबिट्स की वजह से बंदा उनको ज़्यादा याद रखता है। कि हर बंदे की कोई अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, पार्क जिमिन की ये स्पेशलिटीज थी जिन पे आज हमने रिएक्ट किया, एंड वी होप कि आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होंगी स्पेशल। इफ यू आर अ पार्क जिमिन एंड बीटीएस फैन, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ही विल सी द नेक्स्ट वीडियो। आई एम गोइंग दिस फ्रॉम माय साइड, इट्स अ फेयरवेल,
पेपर्स के बाद आपसे मिलते अपना बहुत गोइंग जस्ट ऑन गोइंग ऑन वेकेशन सो द मोस्ट डेडली द मोस्ट डेडली वेकेशन बिकॉज मेरे पेपर्स आने वाले हैं मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी तरह से तैयारी करके आगे आगे पढ़ू पढ़ लिखूंगा तो बनूंगा नवाब सो सी द नेक्स्ट वीडियो बाय टिल देन अल्लाह हाफिज़